आप सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे। आज एक ये सवाल है कि परमेश्वर किसकी ज़िंदगी में काम करता है। अब हम जानना चाहते हैं कि प्रभु तो किसकी ज़िंदगी में काम करता है। अगर हम प्रभु से पूछें कि तो प्रभु किसकी ज़िंदगी में काम करता है, तो प्रभु में कहीं ना कहीं कुछ वचनों के द्वारा हमें ये बातें बतलाता है कि वो सबसे पहले ऐसे लोगों को ढूँढता है जो अपनी ज़िंदगी में पूरी तरीके से हार चुके हैं। मतलब अगर आप चाहते हो कि प्रभु आपके ज़िंदगी में काम करे, तो उसके लिए सबसे पहले हमें नम्र और दीन बनना होगा। क्योंकि कई बार ऐसा होता है, हम चाहते तो हैं प्रभु की सेवा करें, प्रभु के बड़े बड़े काम करें, चमत्कार करें, आश्चर्य कर्म करें, प्रभु के नाम से दुष्टात्माएं निकालें, मुर्दों को जिंदा करें, या बड़े बड़े काम करें, अंधे को देखने की सामर्थ्य दें और गूंगे को बोलने का अनुग्रह दें, मतलब बहुत कुछ करें परमेश्वर के उस दया से और प्रभु में होकर वो बड़े बड़े काम करें। बहुत तो इच्छा है हम लोगों की, लेकिन प्रभु हमारी ज़िंदगी में काम कब करता है इस बात को नहीं समझ पाते हम। हम अपनी एड़ी चोटी का जोर लगाते हैं कि प्रभु ऐसे काम करेगा, वैसे काम करेगा, ऐसे हो सकता है, वैसे हो सकता है, ऐसे सेवा करेंगे, वैसे सेवा करेंगे, प्रभु ऐसे उठाएगा, वैसे उठाएगा, अब मेरा टाइम आ चुका है, ऐसे ऐसे होगा, वैसे होगा, प्रभु ऐसे इस्तेमाल करेगा, वैसे इस्तेमाल करेगा, सो बातें बहुत सारी चीज़ें हम सोचते हैं, ये हमारे मन के विचार है। लेकिन प्रभु क्या सोचता है, बात ये है। देखो, अगर हम जाने मूसा नबी के बारे में, तो मूसा नबी की जो योग्यताएं थी, पूरे वर्ल्ड में सबसे बेस्ट स्टडी मूसा ने की थी, सबसे ज़्यादा समझदारी वाली स्टडी, अंडरस्टैंडिंग, और बहुत बढ़िया बढ़िया शिक्षाएं मूसा नबी ने प्राप्त करी थी। बहुत अच्छा तीरंदाज था, और इसी के साथ साथ मूसा एक अच्छा लीडर भी रहा। और अगर हम मूसा के बारे में पढ़ते हैं, तो मूसा अपने समय का एक अच्छा राजा भी रहा, एक अच्छा शासक भी रहा। लेकिन अगर मूसा नबी को हम सभी प्रभु परमेश्वर के वचन रूपी चश्मे से देखें, वचन रूपी आईने से देखें, तो हमें क्या नज़र आता है? तो सबसे पहली बात तो ये है कि परमेश्वर की सेवा के लिए, परमेश्वर के कामों के लिए मूसा अयोग्य ठहरे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में मूसा को परफेक्ट होना ज़रूरी है, और जब परमेश्वर की दृष्टि में मूसा परफेक्ट नहीं है, तो मूसा परमेश्वर की सेवा नहीं कर सकता। परमेश्वर की दृष्टि में परफेक्ट होने का मतलब क्या है? परमेश्वर की दृष्टि में परफेक्ट होने का मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर ज्ञानियों को ढूंढ रहा है, बुद्धिमानों को ढूंढ रहा है, समझदारों को ढूंढ रहा है, या बलशालियों को ढूंढ रहा है, या बहुत चतुर हैं उनको ढूंढ रहा है। नहीं, परमेश्वर के खोजने का तरीका बहुत अलग है, जो हमारे सोच और समझ से बिल्कुल परे है। आज प्रभु हमें बतलाना चाहता है, अगर हम पढ़ें, लिखा है कि परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुना है कि वो बुद्धिमानों को शर्मिंदा करें, परमेश्वर ने जगत के नीचों को चुना है ताकि जो अपने आप को कुछ समझते हैं उनको व्यर्थ ठहराए, परमेश्वर ने जगत के तुच्छ को चुना है, जगत के निर्बल को चुना है ताकि जो अपने आप को कुछ समझते हैं उनको व्यर्थ ठहराए। परमेश्वर का खोजने का तरीका अलग है, ढूंढने का तरीका अलग है। हम परमेश्वर के खोजने और ढूंढने के तरीके को अपने तरीके के साथ मिला देते हैं। हम सोचते हैं मेरे को अच्छा प्रचार करने आता है, अच्छी आराधना करने आती है, अच्छा वचन शेयर करने आता है, हज़ारों प्रकाशन मेरे पास है, बातों बातों में सामने वाले को खा जाता हूँ, हर एक बात का मेरे पास वचन के द्वारा जवाब है, बहुत सारी चीज़ें हैं। ये हम सोचते हैं कि हम परमेश्वर की सेवा के लिए परफेक्ट हैं, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में ये चीज़ बिल्कुल गलत है। परमेश्वर की, देखो, हम हो सकते हैं कि किसी को सुसमाचार सुनाए, बड़े बड़े काम कर सके, लेकिन अगर हम ये सोचें कि मैं परमेश्वर की सेवा के लिए तैयार हो गया हूँ, परफेक्ट हो गया हूँ, तो ये चीज़ हम गलत सोच रहे हैं। हम परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं पवित्रता से, सच्चाई खराई से, वो गलत नहीं है, लेकिन जो हम सोच रहे हैं कि मैं परमेश्वर की सेवा के लिए तैयार हो चुका हूँ, ये गलत है। ये हमारी सोच गलत है, हमारे काम व्यवहार गलत नहीं है, परमेश्वर की सेवा गलत नहीं है जो हम कर रहे हैं, लेकिन हमारी ये सोच गलत है जिसमें हम ये सोच रहे हैं कि हाँ, मैं परमेश्वर की सेवा के लिए अब तैयार हो चुका हूँ। असल में अगर हम देखें, पवित्र शास्त्र हमें ये बतलाता है कि परफेक्ट एक, अगर हम जाने उस पौलुस नबी के बारे में, परमेश्वर के प्रेरित पौलुस के बारे में, इतना सब कुछ करने के बाद भी, इतना पवित्रता ही सच्चाई खराई से चलने के बाद भी, इतना निपुण होने के बाद भी, व्यवस्था में परफेक्ट होने के बाद भी, सब बातों में, बहुत सी चीज़ों में सिद्ध होने के बाद भी, जिसने 13 या 12 पत्रियां लिख डाली प्रेरितों के काम में, अगर हम पौलुस के बारे में पढ़ते हैं, पौलुस का जब मन फिराव हुआ, तो मेरे भाई और बहनों सोचो, उस व्यक्ति ने, उस पौलुस, परमेश्वर के दास यीशु मसीह के सेवक प्रेरित पौलुस तक ने कह दिया कि मैं तो निकम्मा हूँ, मुझसे तो कुछ बनी नहीं पड़ा। सोचो, पौलुस जैसा व्यक्ति कह रहा है कि मुझे तो कुछ भी नहीं आता प्रभु, मैं तो निकम्मा हूँ, सबसे बड़ा पापी संसार में मैं हूँ,
तो सोचो आज हम क्या सोच रहे हैं कि हाँ मेरे को आराधना प्रार्थना वचन पढ़ना प्रचार करना दुष्ट आत्मा निकालना आ गया तो उसका मतलब ये थोड़े ना कि हम परमेश्वर के सिद्ध प्रचारक बन गए। नहीं, जब प्रेरित पौलुस कह रहे हैं, स्वयं कह रहे हैं, जब इन सभी बातों के द्वारा हमें पता चलता है तो पौलुस साफ कहते हैं इतना सब कुछ आने के बाद भी, इतना ज्ञान होने के बाद भी, इतनी समझ होने के बाद भी, आत्मा की अगुवाई में चलने के बाद भी, वचनों के सामर्थ्य प्रकाशन होने के बाद भी, इतनी सारी पत्रियां लिखने के बाद भी पौलुस अपने बारे में क्या स्टेटमेंट देते हैं कि मैं तो बिल्कुल सबसे बड़ा पापी हूँ और मैं निकम्मा दास हूँ। ये दो शब्द छोटे नहीं हैं, बहुत बड़े शब्द हैं। आज हमें चार बातें क्या आ जाए, हम सोचते हैं कि परमेश्वर की सेवक बन गए हम। नहीं, परमेश्वर ऐसे लोगों को नहीं ढूंढ रहा है, परमेश्वर सच्चे आराधकों को ढूंढ रहा है जो सब कुछ करने के बाद भी ये कहें कि प्रभु मुझसे तो कुछ बन ही नहीं पड़ा, प्रभु मैं और अच्छा कर सकता था, ये मेरा बेस्ट नहीं रहा, मैं पूरा 100% तेरे लिए अच्छा कर सकता था लेकिन प्रभु मेरा 1% भी तेरे लिए अच्छा नहीं हो सका, मैं क्षमा चाहता हूँ, मुझे क्षमा कर, ऐसे लोगों को प्रभु ढूंढ रहा है। और इसके साथ साथ दूसरी कैटेगरी में एक ऐसे व्यक्तियों को और परमेश्वर ढूंढ रहे जिनकी ज़िंदगी में प्रभु काम करना चाहता है। देखो ये भी क्वेश्चन है, प्रभु तो अगर हम पूछे किसी से प्रभु क्या किसकी ज़िंदगी में काम करना चाहता है, अगर हम संसार को देखें तो हम यही बात बोल सकते हैं, देखो संसार में तो कलेश है, प्रभु सभी की ज़िंदगी में काम करना चाहता है। देखो काम तो करना चाहता है लेकिन जो उसकी दृष्टि में है निष्कपट, निर्बल, टूट और पिसा, हारा हुआ, अपने आप को ज़ीरो बनाकर परमेश्वर के आगे समर्पित करके जो लेकर आता है ना, उसी की ज़िंदगी में परमेश्वर काम करता है। क्योंकि लिखा है वो बुद्धिमानों को उनकी चतुराई में फंसा देता है, ज्ञानियों को वो लज्जित कर देता है। ज्ञान बुद्धिमानों की बुद्धि मारी जाएगी, ज्ञानियों का ज्ञान जाता रहेगा। जो अपने आप को कुछ समझते हैं ना कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मेरे द्वारा ये हो सकता है, वो सकता है, मैं ये करता हूँ, वो करता हूँ, मेरी कलीसिया, मेरे लोग, मेरा, मैं बहुत सारी चीज़ें, तो उनकी ज़िंदगी में परमेश्वर को काम करने का मौका मिलता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि जहाँ पर मैं आ जाती है, जैसे पौलुस के, जब हम पत्रस के बारे में पढ़ते हैं, जब यीशु मसीह मर के जी उठे तब शाम के समय पत्रस और पत्रस के साथ कुछ यीशु मसीह के और चेले भी थे, पत्रस के साथ और कुछ भाई बहन, कुछ और भाई लोग भी थे जो प्रेरित थे, तो वो सब के सब शाम को, लगभग शाम को मान लो 6 बजे के आसपास होगा टाइम, शाम के टाइम वो मछली पकड़ने के लिए निकले। जब वो गहराई में जाल डालने की कोशिश कर रहे थे, शाम से लेकर उनको भौर हो गई, सुबह हो गई, एक भी मछली नहीं पकड़ पाए। पतरस ने कहा चलो मैं तो मछली पकड़ने जा रहा हूँ। क्यों? जब पतरस ने अपने आप को, मतलब अपने अंदर ये चीज़ दिखाई कि चलो भाई मैं मछली पकड़ने के लिए जा रहा हूँ, समझ रहे इस बात को, तो जब तक उसने हार नहीं मानी ना तब तक उसने मछलियों को नहीं पकड़ा। लेकिन जैसे ही उसने अपनी समझ का सहारा लेना बंद कर दिया, जैसे ही उसने हार मान ली, जैसे ही वो चुप होकर ठप होकर बैठ गया, अब तो मेरे बस की नहीं है, मैंने एड़ी चोटी का जोर लगा लिया, तुमने लगा लिया, मेरे समझ बुद्धि ज्ञान से तो कुछ फर्क नहीं पड़ा, कुछ हो ही नहीं सका। तब यीशु मसीह ने उनको आवाज़ मारी, पतरस, यूहन्ना, इस तरफ दाहिनी नाव की दाहिनी ओर जाल डालो। तो जैसे ही उन्होंने जाल डाला, यीशु को देखा उन्होंने, अरे ये तो प्रभु है, अरे जैसा प्रभु कह रहा है वैसा करो। तुरंत यीशु मसीह ने कब कहा, यीशु मसीह ने पतरस की ज़िंदगी में काम कब किया, जब पतरस ने अपने आप को निर्बल किया, जब पतरस ने अपनी समझ का सहारा नहीं लिया, जब पतरस ने अपने आप को शून्य किया, जब पतरस ने अपनी बुद्धि चलाना बंद कर दिया, जब पतरस ने अपनी इच्छा चलाना बंद कर दी, जब पतरस ने अपने अनुसार काम करना बंद कर दिया, जब पतरस ने हाथ खड़े कर दिए, जब पतरस अपने विचारों सोचों में ज़ीरो बन चुका, जब पतरस की उम्मीद टूट गई, जब पतरस के दरवाजे बंद हो गए, जब पतरस शांत होकर बैठ गया और चुप रहा, तब परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने जोर से चिल्लाकर कहा, हे पतरस और यूहन्ना, सुनो, नाव की दाहिनी ओर जाल डालो। यीशु मसीह ने जब तक काम नहीं किया, जब तक पतरस और वो प्रेरित लोग अपनी समझ का सहारा ले रहे थे, जब तक उन्होंने एक मछली नहीं पकड़ी, लेकिन जैसे ही वो हार गए, जब उन्होंने अपनी दृष्टि में देखा कि हम थक चुके हैं, हार चुके हैं, कुचल चुके हैं, कुछ भी नहीं बन पड़ा, हमारी बुद्धि मारी गई, हमारी समझ से कोई फायदा नहीं हुआ, ना तो एक भी मछली पकड़ पाए, ना तो जाल हमारा अच्छी तरीके से डाल पाए, कुछ नहीं बन पड़ा, हम थक कर चूर हो गए, हमने अपनी समझ का सहारा लिया, बिल्कुल हार गए, हाथ खड़े कर दिए, सरेंडर कर दिया, अब तो हमसे कुछ नहीं बन पड़ा, तब यीशु मसीह ने उनकी ज़िंदगी में काम करना शुरू किया।
आज कुछ ऐसी ही दशा परमेश्वर अपने अभिषिक्तों की जिंदगी में चाहता है कि हम अपनी समझ का सहारा ना लें, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखें। थोड़े मोड़े मन से नहीं, हल्के हल्के मन से नहीं, आधे आधे मन से नहीं कि ये भी कर लो वो भी कर लो, अरे हो जाएगा, अरे ऐसा तो हो ही जाता है। नहीं, जब तक हम पूरी रीति से परमेश्वर पर पूरा 100% भरोसा ना करें, तब तक परमेश्वर हमारे लिए सीधा मार्ग नहीं निकाल सकता। मैंने फटके खाए हैं, मैंने अपनी परीक्षा को बड़ा भी किया है, मैंने इंतज़ार भी किया है, मेरा इंतज़ार बड़ा भी है, मेरी गलतियों के कारण मेरा इंतज़ार बहुत, मुझे ज़्यादा भी इंतज़ार करना पड़ा है। जो चीज़ परमेश्वर मुझे यूं ही दे सकता था, मेरी गलतियों के कारण, मेरे अविश्वास के कारण, मेरे भटकने के कारण, मेरा अपना दिमाग बुद्धि ज्ञान समझ चलाने के कारण है ना, मेरी आशीषें और डिले हो गई थी, और दूर हो गई थी, और देर लगी मुझे पाने में, कुछ तो पा ही नहीं पाया था। सच्चाई बता रहा हूँ मैं आप लोगों को, क्यों? क्योंकि मैंने अपनी समझ का सहारा लिया, अरे ऐसे मिल जाएगा वैसे मिल जाएगा, ये करो वो करो, ऐसे पैसे, ये करना वो करना, ऐसे आ जाएगा वैसे आ जाएगा, ऐसे जाकर आ जाएगा, ये काम ऐसे हो जाएगा, डॉक्यूमेंट्स ऐसे हो जाएगा, 100 मुंह 100 बातें, 636 काम, लाइफ का कोई भी बात को लेकर रख सकते हैं हम इसमें। लिखा है कि संपूर्ण मन से, कब? पहले लिखा है तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा और वो कहेगा मार्ग यही है, इसी पर चल, यही डिसीजन है, यही सही रास्ता है, यही तरीका है और यही तेरा चुनाव है, यही सही है। जब तू ऐसा करेगा तो ठोकर नहीं खाएगा। ऐसी बातें परमेश्वर अपने लोगों को कब बताता है, कब वो अपने लोगों की जिंदगी में काम करता है? वो जब करता है जब एक विश्वासी थक कर हार कर चूर हो जाता है, जब वो अपनी समझ का सहारा लेना बंद कर देता है, जब वो अपना एड़ी चोटी का जोर लगाता है, धन भी लगाता है, टाइम भी लगाता है, पैसा भी लगाता है, एनर्जी भी लगाता है, सब लगाता है, लेकिन उसको नाकामयाबी मिलती है ना, तब जाकर जब वो हार मानता है, जब वो पुकारता है, तब उस समय प्रभु उसको उत्तर देता है। प्रभु पहले क्यों नहीं उत्तर दे रहा, एक ये सवाल है, समझना इस बात को। प्रभु पहले इसीलिए उत्तर नहीं दे रहा है क्योंकि हम अपनी समझ का सहारा ले रहे हैं। हम कह रहे हैं प्रभु तेरे मार खाने से, तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ, लेकिन दूसरी तरफ मैं बोल रहा हूँ अरे मुझे दवाई लेने के लिए जाना है, अरे मैं ठीक ही नहीं हुआ, अरे डॉक्टर ये बोल रहा है वो बोल रहा है। दूसरी तरफ हम एक तरफ प्रार्थना कर रहे हैं ये कि प्रभु तेरे मार खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ, उदाहरण के तौर पर जैसे प्रभु मेरी आशीषें आ रही है, ये प्रार्थना, जैसे प्रभु तेरे स्वर्ग से मेरी आशीष खुल चुकी है, मैंने तुझसे प्रार्थना की, तूने मुझे उत्तर दे दिया, मेरी आशीषें आ रही हैं। उसके आधे घंटे बाद किसी ने पूछा अरे यार पैसे ही नहीं है, काम ही नहीं चल रहा, ये है वो है, दो तरफा बातें, मैं तो खुद ही काम करना पड़ेगा, खुद ही जाना पड़ेगा, खुद ही ढूंढना पड़ेगा, ये बेचना पड़ेगा वो बेचना पड़ेगा, सो मुँह सो बातें, गलत शब्द गलत अंगीकार, अपनी समझ का सहारा ले लेकर परमेश्वर को काम करने का मौका ही नहीं दिया। प्रभु तो कह रहा अरे बेटा जैसी तूने प्रार्थना करी मेरी तो आशीष तेरे मेरे स्वर्ग से तेरे घर तक पहुंच ही रही थी, इतने में तू अपने घर से निकल कर तू जॉब ढूंढने चला गया, तू डॉक्टरों के चला गया, डॉक्टरों के जाना मना नहीं है, लेकिन हमारा विश्वास किस पर है? दवाई गोलियों डॉक्टर और रिपोर्ट्स पर नहीं, सिर्फ प्रभु पर। हम घर से बाहर चले तो गए, हमारा विश्वास किस पर है कि बाहर से कमा कर लेकर आएंगे तभी हमारा घर चलेगा? अरे क्या आज तक परमेश्वर ने भूखा रहने दिया? हमारे विश्वास के डगमगाए जाने के कारण है ना, हमने प्रभु को अपनी जिंदगी में काम करने का मौका ही नहीं दिया। और जब हम घटी में पड़े, समस्या में पड़े, तकलीफ में पड़े, बीमारी में पड़े, नुकसानों में पड़े, तब हमने प्रभु को पुकारा। जब समस्या क्रिएट हो गई ना, जब समस्या को हमने पाल लिया, तब हमने प्रभु को पुकारा। पहले तो पुकारा ही नहीं, अगर पहले पुकारा तो अपनी समझ का सहारा लिया, प्रभु को काम करने ही नहीं दिया। यही हमारी सबसे बड़ी मिस्टेक होती है, और आज प्रभु हमें यही बात बतलाना चाहता है कि अपनी समझ का सहारा ना लेना, पर संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। अगर आप लोगों की जिंदगी में, हम में से किसी की भी जिंदगी में कुछ ऐसा लगता है कि ये काम नहीं हो पा रहा है, तो उसको पूरी रीति से प्रभु के हाथों में सौंप दो। हड़बड़ी मत मचाओ, चुप लगाओ, नम्र रहो, वरन सिर्फ प्रार्थना करो। प्रभु रास्ते खोलेगा, परिस्थितियाँ क्रिएट करेगा, बना कर देगा, हालातों को पैदा करेगा ऐसे, जिसके द्वारा आपके ज़िंदगी में वो बदलाव आएंगे जो प्रभु चाहता है, जिससे जिसमें आपकी भलाई है, जिसमें सबकी भलाई है। प्रभु ऐसे हालातों को पैदा करेगा, कब? जब हम शांति से, नम्र और दीन बनकर, सब जगह से दरवाजे जब बंद होने के बाद, जब हम सब जगह से हार मानकर, जब हम प्रभु के साथ उपस्थिति में अपने दरवाजे को बंद करके आंसू के साथ जब उसके साथ प्रार्थना करेंगे, चाहे आंसू के साथ चाहे कैसे भी, जब हम उससे प्रार्थना करेंगे, सिर्फ उसी पर भरोसा रखेंगे, तब वो हमारे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। मेरे भाई और बहनों, यही तरीका है कि हम प्रभु को अपनी ज़िंदगी में काम कैसे करने दे सकते हैं, और कैसे हम प्रभु को काम करने से रोकते हैं, कैसे हमारे ज़िंदगी में बड़े बड़े काम नहीं हो पाते, कैसे हम अपनी ज़िंदगी में बड़े बड़े कामों को होता हुआ देख सकते हैं। यही कारण है
जब तक हम अपने आप को नम्र दीन और शून्य नहीं करेंगे, जब तक हम अपनी समझ का सहारा लेना बंद नहीं करेंगे, जब तक हम हार नहीं मानेंगे कि प्रभु ये तो मुझसे नहीं हो रहा, सॉरी प्रभु तू ही कर सकता है, मेरे बस की नहीं है, इसका मतलब है सरेंडर कर देना। देखो एक काम है, मान लो एक गाड़ी है, उसका इंजन खराब है, एक विश्वासी है। अब उस विश्वासी को गाड़ी के मालिक ने गाड़ी जहाँ पर ठीक कराने के लिए, वो तो बंदा कह रहा है उसका इंजन फूक गया है, खराब हो गया है, और अब तुझे नया इंजन डलवाना पड़ेगा, लगभग 80,000 रुपये का इसका इंजन डलेगा। तो विश्वासी चौंक गया, उसने सर पे हाथ रख लिया, अरे भैया क्या करूँ मैं। अब इसमें दो चीज़ है, अब वो विश्वासी, पहली बात, अगर वो उस इंजन के लिए प्रेयर करेगा, कहने का मतलब अगर वो अपनी समझ का सहारा ना लेकर प्रेयर करेगा, उसी गाड़ी में जाकर दरवाज़ा बंद करके, चाहे रो रहा है, चाहे भिलक रहा है, चाहे अपनी गलती की माफ़ी मांग रहा है, प्रभु किस गलती के कारण ये हुआ, अगर वो जाते के साथ ही तुरंत प्रभु के पास जाता है, पश्चाताप करता है, माफ़ी मांगता है, मन फिराता है, तो ज़रूर प्रभु उसकी ज़िंदगी में काम करेगा। क्यों? क्योंकि जैसे ही उसने समस्या को सुना, वैसे ही वो दौड़ कर अपने प्रभु की उपस्थिति में आ गया, और प्रभु ने कहा संकट के समय मुझे पुकार, तब मैं तुझे छुड़ाऊंगा, तो तू मेरी महिमा करने पाएगा। प्रभु ये नहीं कह रहा संकट के समय तू संसार के पास जा, संकट के समय तू मैकेनिक के पास जा, संकट के समय तू बैंकों में भाग, संकट के समय तू डॉक्यूमेंट्स निकाल, संकट के समय तू दोस्त को पुकार, माँ को पुकार, बहन को पुकार, भाई को पुकार, पापा को पुकार, फोन मिला, पैसे मांगा, प्रभु ये नहीं कह रहा। अगर ऐसा करेगा तो दरवाजे बंद होंगे, एंड में तुझे घुटने मेरे पास टिकाने पड़ेंगे, फिर बोलेगा प्रभु 80,000 में काम होने को था, अब तो और ज़्यादा लग गया, सॉरी प्रभु मुझसे गलती होगी, मैं पहले तेरे पास नहीं आया, लेकिन अब फटका खा के सीख गया। समझ रहे हैं इस बात को? अगर जैसे ही वो व्यक्ति तुरंत अपनी कार में जाकर अपने लिए पश्चाताप करता है, प्रभु मेरे इन पापों को क्षमा कर, जिस पाप के कारण मेरी जिंदगी में ये समस्या, दुख आए, घटिया ये नुकसान हुआ है, दिल से पश्चाताप करता है, प्रभु मेरे लिए मार्ग निकाल, तो कुछ होता है उस बीच में, कुछ होता है, प्रभु की आत्मा उसकी ज़िंदगी में आकर, उसकी आत्मा में आकर प्रार्थना करती है, उसके मुंह से कुछ ऐसे शब्द निकलते हैं जो भविष्यवाणी रूपी होते हैं, जो भले होते हैं, जिसमें उसकी उन्नति और भलाई और एक तरीके से कुछ क्रिएट होता है, कुछ बनाता है। प्रभु अपने दूतों को भेजकर उसके इंजन को छूता है, अपनी आत्मा से उसके इंजन को रिक्रिएट करता है, ब्लेस करता है, और कुछ अचानक होता है, वो चाबी को अंदर बैठे बैठे ही गाड़ी में लगाता है, उसकी आंखों में आंसू होते हैं, गाड़ी को चालू करने के लिए चाबी लगाता है, झट से उसकी गाड़ी चालू हो जाती है, और वो रोने लगता है, तुरंत वो गाड़ी बंद करके बाहर की तरफ जाता है, गाड़ी का आगे का ढक्कन उठाकर देखता है, अरे इसमें से तो धुआं नहीं निकल रहा, अब तो बिल्कुल ठीक है, तो चल रही है। वो मैकेनिक को बुलाकर देखता हूँ, मैकेनिक कहता है अरे ये तो चल रही है, अरे तो फुक्सी करी, देखो धुआं निकल रहा था, यहाँ से काली पड़ गई, यहाँ से ढीले पड़ा था, देखो इंजन इसका ये हिल रहा था, ढीला हो गया, कैसे हो गया? तो गाड़ी का मालिक कहता है मैंने तो कुछ किया नहीं, मैं तो जैसे ही आपने बताया वैसे मैं तो बस प्रभु के पास प्रार्थना करने गया। अरे सच में जो मनुष्य से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता है, कब? जब हम प्रभु को काम करने का अपनी जिंदगी में मौका दें, तब। ये नहीं कि सामने वाले ने बता दिया अरे 80,000 का बिल आया, अरे 80,000 का नुकसान आया, अरे 80,000 का पैसा लगेगा, ये वो इतना नुकसान, ये वो सोमू सो बातें, अरे कहाँ से लाऊं, ऐसे लाऊं, वैसे लाऊं, इसको फोन मिलाओ, उसको फोन मिलाओ, ऐसे कर करके संसार की ओर ताक कर अपने आप को और शाप में ले आते हैं। क्योंकि लिखा है शापित है वो मनुष्य जो संसार की ओर जाता है, जो मनुष्य की ओर ताकता है, जो सहायता पाने के लिए मिस्र की ओर जाता है, शापित है वो मनुष्य। लेकिन धन्य है वे जिन्होंने यहोवा को अपना आधार बना रखा है, वो कभी लज्जित नहीं होंगे, उनके मुँह कभी काले नहीं होने पाए, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की ओर दृष्टि की, और परमेश्वर उनका शरण स्थान बना, और परमेश्वर ने उनको छुड़ाया, उनका सर ऊंचा किया, उनकी जरूरत को पूरा किया, अपना हाथ बढ़ाकर उनको थाम लिया, उनको चंगा किया, उनकी जिंदगी में शांति को डेला, उनकी जरूरतें पूरी की, उनको अपने प्रेम और अपनी आत्मा से परिपूर्ण करा, और आशीष और उद्धार का चैनल बनाया। क्यों? क्योंकि प्रभु को काम करने का मौका दिया। हालेलुया। तो आज जैसे भी हैं, परमेश्वर क्या कि अपने आप को समर्पित करें, सरेंडर करें, पश्चाताप करके बोले प्रभु आइए मेरे इस काम में, लाइफ के इस हिस्से में आप आकर कार्य कीजिए, मैं हार गया, मैं सरेंडर करता हूँ, मुझसे कुछ नहीं बन पड़ा, प्रभु अब आप कीजिए, चाहे वो एक सुई है, चाहे वो जहाज है, कुछ भी चीज़ को लेकर है, सिर्फ प्रभु के हाथों में सौंपिए, चाहे घर का है, खाने पीने, उठने बैठने, सोने जागने, चलने फिरने, रिलेटिव रिलेशन, फैमिली मेम्बर्स, घर का, परिवार का, नौकरी, बिजनेस, जॉब, किसी भी तरीके का है, प्रभु के हाथों में सौंपिए। चाहे कहीं आने जाने का भी ना, प्रभु मेरे साथ चलना, मेरे को नहीं पता, मेरे को नहीं आता, तुझे ही आता है प्रभु, तू मेरा प्रभु है, तू बोलेगा इस जुबान से, तू सब कुछ सही करेगा, तू फेवर देगा, तू आशीष देगा, तू जॉब दिलाएगा, तू रास्तों को खोलेगा, तू मेल मिलाप को प्रकट करेगा, तू चंगा करेगा, तू आशीष देगा, प्रभु से बोलना, तब प्रभु काम करेगा। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूँ प्रभु की आत्मा ने आपको आशीष दी है इस वचन से, और आप जरूर करोगे, अपने आप को सरेंडर समर्पित करके, चुप लगाकर, सिर्फ प्रभु की उपस्थिति में भागकर चलो, तुरंत
प्रभु की ओर भागो, और प्रभु जैसे ही आपको देखेगा मेरा बेटा मेरे पास आ रहा है, तो बच्चे को प्रभु एक बाप अपनी उपस्थिति में से खाली हाथ नहीं भेजेगा। इस बात को कभी मत भूलना, वो जरूर कुछ करता है, जब वो छूता है तो कुछ होता है। आमेन। तो प्रभु आशीष दे आप सभी को। जय मसीह की।